हमारे मंदिरों के साथ बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की गई, उनको प्रभावित किया गया, क्योंकि भारत के ऊपर 500-700 सालों तक इन्होंने राज किया, अपने अनुसार वस्तुओं को डाल दिया। सोमनाथ को देख लीजिए आप, वो तो बार बार निर्माण होता रहा, नहीं इन्होंने तो खत्म ही कर दिया था सब कुछ। आप कभी अयोध्या गए हो? मैं गया हूँ, गुजरा था एक बार अयोध्या के अंदर से। आप जब हालात देखते ना उनका, कि कैसे क्या हालात चल रहा है, वो भी हालात भी तब जब थोड़ा प्रयास किया गया, उससे पहले तो वहाँ मस्जिद थी, वहाँ किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। अंदर तक देखना तो बहुत दूर की बात है। क्या कभी आप मथुरा जा करके देख करके आए हो? अगर नहीं गए हो तो जाना कभी जन्मभूमि के ऊपर, और ऊपर चढ़ना, सीधे जाते फिर ऊपर से पैड़ियाँ चढ़ती हैं, पैड़ियों से जब आप ऊपर जाओगे और पीछे निकल जाना, जब आप पीछे निकल करके जाओगे वहाँ देखना, इस साइड में बीच को गली है 12-14 फुट की, और देखना कैसे साथ में मस्जिद खड़ी कर दी गई, हमारी आधी भूमि को घेर दिया गया मुस्लिम शासकों के द्वारा। और जो ये हमारे हिंदू थे उस समय के, कुछ लोग पैसे से टूट गए अशर्फियों के चक्कर में, कुछ तलवार के दम के ऊपर तोड़ लिए गए, कुछ लोभ लालच में तोड़ लिए गए, बहुत बहुत लोगों को मार दिया गया, चारों तरफ भय व्याप्त कर दिया गया। उन लोगों को महान शासक बताया जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है महान शासक थे वो। सोचो आप क्या हमारा इतिहास है, हमारे वो महान शासक जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे श्रेष्ठ महापुरुष थे, जो सच में महापुरुष थे, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आज बदलाव हो चुका है। आप गुजरात के अंदर जा करके देखिए, वहाँ भी मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। बहुत जगह है ऐसी, बहुत स्थान है ऐसे जहाँ जहाँ ये किया गया है परिवर्तन, उसका प्रभाव है चारों तरफ। आप देख लेना, जब नज़र अच्छी तरह से देखोगे, अभी चल रहा है ज्ञान व्यापी का, जब उसको तय तक खोज करके देखेंगे पता चल जाएगा सब कुछ। जब शिवलिंग मिलेगा पता चल जाएगा सब कुछ कि वहाँ मस्जिद थी या मंदिर था। ऐसे ही कारण क्या हुआ, क्यों बदला गया, क्यों तोड़ा गया, इन्होंने इन्हीं स्थानों को टारगेट क्यों किया गया। इनके जो मौलवी थे वो तांत्रिक किस्म के लोग थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, देखते रहते थे। हमारी जो भारत भूमि है ये संतों और सिद्धों अवतारों की भूमि है, यहाँ सिद्धों ने तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं, और जो एनर्जी का जो घेरा है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। तो इन्होंने बहुत तेज बुद्धि के साथ खेल खेलना शुरू किया। इनके दो ही तरह से धर्म को नष्ट किया जा सकता है, एक तो इसके उसके इतिहास को पलट दो, शास्त्रों को पलट दो, और एक उनके जो बनाए गए धर्म चिन्ह हैं उनको नष्ट कर दो। इन्होंने दोनों तरह से कार्य किया मुसलमानों ने, हमारे धर्म शास्त्रों के ऊपर भी और इनके ऊपर भी। जो इनके मौलवी तांत्रिक थे, जिन्हें कुछ छोटी मोटी सिद्धियां थी, छोटी मोटी साधनाएं की थी, उनको एनर्जी का पता चल गया कि कहां कहां एनर्जी के सोर्स हैं, कहां कहां शक्ति के भंडार हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए और इस तरह से तैयार कर दिया जाए कि हमारे लोग वहां जाने लगे और उनको रोक दिया जाए।
तब ये हिंदुत्व बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सारा कार्य किया गया, बहुत योजना बना करके। आप सोचते होंगे कि ऐसे कैसे किया, ये क्यों किया, क्या कारण रहा होगा, क्या जरूरत पड़ी थी, इतनी जमीन पड़ी थी कहीं और बना लेते, इतना बड़ी धरती थी हमारे मंदिरों के ऊपर ही क्यों खड़ा किया इन्होंने ये सब कुछ। ये एनर्जी का खेल है, ईंटें तो और कहीं भी लग जाती, एनर्जी कहां से लेकर के आते? वही एनर्जी जो ऊपर वाले की है, जो पॉजिटिव है, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। अभी चल भी रहा है ताजमहल का मुद्दा, उसमें भी कितनी एनर्जी होगी कि वो विश्व में, पूरा विश्व जानता है उसको, कितनी एनर्जी होगी उसमें। क्योंकि बिना एनर्जी के उस टाइम के ऊपर जानना, खोजना, चलो आज तो हर जगह सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा टाइम नहीं होता वायरल होते हुए, लेकिन उस समय पे जब, तब से कितनी एनर्जी होगी। क्या बना दिया वहां पे, एक कब्रगाह बना करके रख दी और क्या नाम दे दिया उसको, ऐसा कैसे हो सकता। आप जा करके देखिए, एक एक चिन्ह, एक एक निशान आपको नजर आएगा, आपको महसूस होगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि कुछ तो है जो हमारे से छुपाया जा रहा है, कुछ तो है ऐसा जो हमें नहीं दिखाया गया, कुछ तो है जो बदला गया, कुछ तो है जो इतिहास में दबा दिया गया। लेकिन हमारे हिंदू तो सोता रहा, लोग सोते हुए लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं, सोते हुए लोगों की चोरियां हो ही जाती हैं घरों के अंदर, वो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाते, औरों की तो दूर की बात है। कुछ हमारे हिंदुत्व के हृदय इतने मुलायम हैं, कट्टरता के ऊपर नहीं उतरते कि चलो ठीक है, जो हो गया, आगे फिर से शुरू करो। हम तो बोल देते हैं लेकिन वो नहीं बोलते। तो ये जो हमारा इतिहास है, ये दबाया गया है, छुपाया गया है, और जो हमारी एनर्जी के स्रोत थे उनको बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सनातन है, ये हिंदू है, ये अवतारों की भूमि है, जिसको जितना भी प्रयास करना है वो करता रहे, लेकिन इसको आज तक न कोई दबा पाया है न कोई दबा पाएगा। जब जब इसको दबाया जाएगा ये और ज़्यादा स्पीड से उठना शुरू हो जाएगा, न इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये नहीं कि ये पुस्तकों से सीखा जाए, नहीं, ये जीवन शैली है, ये रमा हुआ है, ये हमारे डीएनए के अंदर है, ये हमारे स्वभाव के अंदर है, ये हमारे हृदय के अंदर है, ये हमारी एक सोच है, ये हमारी विरासत है, ये हमारा हिंदुत्व है। तो कितना भी ये कोशिश कर ले, न इनको दबा पाएंगे न रोक पाएंगे, और सच सबके सामने एक एक पन्ना खुलता चला जाएगा और एक एक अक्षर आपके सामने होगा सब कुछ।